तो ये अपना रियलमी 11X 5G, और यहाँ पर आपको जो है एक बारी बैटरी चेकआउट करा देता हूँ। देख लो बैटरी है पूरी 100%। मैंने फ़ोन को अभी जस्ट चार्जिंग से निकाला है, फ़ोन थोड़ा हीट भी मुझे यहाँ पर जो है फ़ील हो रहा है। और अपने पास ये जो है हीटिंग चेकआउट करने के लिए ये यंत्र पड़ा है, देखते हैं कि भाई किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है अपने को फ्री फायर की और यहाँ पर जो है BGMI की। सारा कुछ पता लगेगा, हीटिंग टेस्ट हो गया, बैटरी टेस्ट हो गया, गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ जो है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है बैटरी मैंने आपको जो है चेकआउट करा दी है करवा दी है, और गेम शुरू होने से पहले एक बार आपको जो है टेम्परेचर भी चेकआउट करवा दूंगा। उससे पहले हम यहाँ पर जो है गेम ओपन कर लेते हैं, वाईफाई पहले जो है कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई कनेक्ट करना यहाँ पर मैं भूल गया, तो जल्दी से गेम ओपन करते हैं और कम बैक करता हूँ। तो गेम अपनी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स चेकआउट करा देता हूँ कि भाई क्या कुछ ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलता है अपने को। स्मूथ के साथ अल्ट्रा की ऑप्शन मिल जाती है, बैलेंस के साथ भी अल्ट्रा की ऑप्शन मिल जाती है, और HD के साथ हाई की ऑप्शन मिलती है। तो स्मूथ के साथ अल्ट्रा यहाँ पर गेमिंग प्ले करने वाले हैं, मतलब कि 40 FPS का सपोर्ट अपने को मिलेगा। यहाँ पर मैं जो है ब्राइटनेस फुल रखने वाला हूँ, देख सकते हो, और यहाँ पर जो वॉल्यूम भी फुल रखने वाला हूँ गेम स्टार्ट करने से पहले, कर देंगे वॉल्यूम। टेम्परेचर एक बार चेकआउट करा देता हूँ कि भाई अपने को फिलहाल यहाँ पर अपने फ़ोन का टेम्परेचर कितना देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि जस्ट मैंने अभी फ़ोन को जो है चार्जिंग से निकाला है, तो फ़ोन अभी थोड़ा ऑब्वियस है हीट में है, फील हो रहा है मुझे कि फ़ोन थोड़ा हीट है। तो देख सकते हो 29 यहाँ पर जो है दिखा रहा है, 29 अपना जो है फ़ोन इस टाइम है। 30 लगा लो, ये देखो 30 है, 30 फिलहाल अपना फ़ोन है। पहले हम TDM खेलते हैं, फिर बाद में जो है इरेंगल मैच जो है लगाएंगे। वॉल्यूम कर देते हैं फुल, टाइम यहाँ से कर देते हैं स्टार्ट, और यहाँ से भी कर देते हैं इसको अपना गेम को स्टार्ट। तो भाई सारा कुछ पता चल जाएगा कितने टाइम में कितनी गेमिंग में जो है फ़ोन हीट हो रहा है, बैटरी कितनी जा रही है, सब कुछ। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम हो गया, ब्राइटनेस सब कुछ फुल रखी हुई है। पहले यहाँ पर BGMI गेम खेलते हैं, उसके बाद फ्री फायर जो है गेम चेकआउट करेंगे। परफॉर्मेंस देख लो TDMI की कितनी किस तरह की देखने को मिलती है। FPS भी आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर अल्ट्रा पर अपने को जो है 39-40 की FPS जो है देखने को मिलता है। देख सकते हो 39-40 जो यहाँ पर अपने को मिलता है। अब गेम यहाँ पर जो स्टार्ट हुई है इस करके लैग हुई थी, यहाँ पर देखो 39-40 का सपोर्ट अपने को मिलता है। अब गेम की परफॉर्मेंस किस तरह की है आ जाओ, ये भी जो है आप चेकआउट कर लो। गेम की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, और गेम लैग नहीं हो रही है मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से गेम चल रही है। एक अपना TDM मैच लग चुका है, 5 मिनट की देख सकते हो गेमिंग हो चुकी है। 5 मिनट की गेमिंग में 1% बैटरी अपनी गई है, 99% बैटरी हो चुकी है। और यहाँ पर जो है अभी टेम्परेचर भी आपको चेकआउट करा देता हूँ कि फ़ोन का टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पर जो है कितना है। 5 मिनट की गेमिंग में टेम्परेचर अपना कितना गया ये भी जो है एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 31% जो है मतलब कि बैटरी गई है, और 1% ही टेम्परेचर जो है ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पर जो है एक और TDM मैच लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो अपना अपना ही रैंकल मैच जो है प्ले करेंगे। सेकेंड मैच भी अपना हो चुका है, और 9 मिनट की गेमिंग हुई है, मान लो 10 मिनट की पकड़ के चलो, 10 मिनट की गेमिंग अपनी हो चुकी है। टेम्परेचर भाई 34 पर चला गया, देख सकते हो 34 पर टेम्परेचर अपना, और जो बैटरी है अपनी 10 मिनट की गेमिंग में 2% बैटरी जो ड्रेन हुई है, 98% बैटरी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो अपना यहाँ पर इरेंगल मैच एक जो है लगाते हैं, देखते हैं कि भाई इरेंगल मैच की परफॉर्मेंस अपने को किस तरह की देखने को मिलती है।
तो गाइस आधे घंटे की गेमिंग अपनी जो है देख सकते हो चुकी है। और आधे घंटे में अपनी जो बैटरी है यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो आधे घंटे में बैटरी जो है 7% गई है, 93% बैटरी जो हो चुकी है। और टेम्परेचर भी आपको दिखा देता हूँ कि भी आधे घंटे में अपना फ़ोन जो है गेमिंग के दौरान कितना ज़्यादा हीट होता है। तो यहाँ देख सकते हो 29 दिखा रहा है यार अभी, तो 29 भाई ज़्यादा हीट नहीं है फ़ोन, देख सकते हो तुम्हारे सामने है 29, 30 मान के चलो, और ज़्यादा ओवर हीट फ़ोन नहीं हुआ है। 31 यहाँ से जो है, यहाँ इस साइड से फ़ोन जो हीट हो रहा है, 31% जो 31 जो है डिग्री चला गया है फ़ोन आधे घंटे की गेमिंग में। ज़्यादा मतलब बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, और बैटरी भी आधे घंटे में जो है 7% गई है। और आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर जो है पूरा मतलब कि ब्राइटनेस फुल है, और अपनी वॉल्यूम भी यहाँ पर फुल है, सब कुछ फुल रखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो जो भी परफॉर्मेंस है अपने सामने। तो गाइस 40 मिनट से ऊपर जो है अपनी गेम हो चुकी है, और बैटरी आपको दिखा देता हूँ 40% 40 मिनट गेमिंग करने के बाद अपनी बैटरी जो है 10% ड्रेन हो चुकी है, 90% 90% बैटरी हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर मतलब कि 10% अपनी बैटरी जो है 40 मिनट की गेमिंग में जो है ड्रेन हुई है। और टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है अपना कितना गया है यहाँ पर 40 मिनट की गेमिंग में, तो ये भी चेकआउट कर लेते हैं। तो 29-30 के ही नियर अबाउट है जो है टेम्परेचर है, आप देख सकते हो ज़्यादा फ़ोन जो हीट नहीं हो रहा है। नीचे से दिखाऊं तो यहाँ से भी देखोगे तो 29 ही है सब जगह से, मतलब अच्छा टेम्परेचर ये मेंटेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 इस साइड से थोड़ा सा फ़ोन जो हीट हुआ है, मैक्सिमम 31 जो है अपना फ़ोन जो है यहाँ पर हीट हुआ है। तो ये जो है गेमिंग थी, परफॉर्मेंस थी। बाकी यहाँ पर अब जो है आप फ्री फायर गेम खेलते हैं और देखते हैं कि अपने को परफॉर्मेंस जो है किस तरह की देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स चेकआउट करा देता हूँ कि भाई अपने को क्या ग्राफिक्स मिलते हैं। देख सकते हो भाई यहाँ पर अपने को जो है अल्ट्रा और मैक्स की ऑप्शन भी यहाँ पर जो है मिल जाती है, देख सकते हो। तो यहाँ पर अपने को फ्री फायर में तो सारी जो है हाई ऑप्शन मिलती है, 60 FPS गेमिंग हम यहाँ पर जो है कर सकते हैं। गेम कर लेते हैं अब यहाँ पर जो है प्ले। तो यहाँ पर अपने जो है गेम स्टार्ट हो चुकी है फ्री फायर। भाई काफ़ी स्मूथ चलती है फ्री फायर, तो यार मज़ा आ गया फ्री फायर में। तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो 59-60 FPS का सपोर्ट मिलता है, मैक्सिमम हमने यहाँ पर जो कर लिया है, और काफ़ी स्मूथ चल रही है गेम, देखो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है गेम। मज़ा आया था इस गेम में, इस फ़ोन में इस गेम को खेलने का। भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, फ्री फायर के लिए तो बेस्ट फ़ोन है यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फ्री फायर गेम खेलते हो ना तो ये फ़ोन बेफिक्र होकर ले लो, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है, 60 FPS का सपोर्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए। और लैग भी नहीं है, देख सकते हो बिल्कुल गेम लैग नहीं है, देखो बिल्कुल स्मूथ चल रही है गेम, कोई लैग नहीं है। 50 मिनट की गेमिंग हो गई, टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ कि भाई इस टाइम अपने को टेम्परेचर कितना मिल रहा है 50 मिनट की गेमिंग में। ये देखो वही है 27-29-30 तक का जो है मैक्सिमम जो है हीट हुआ है फोन अभी तक।
तो गाइज़ अपनी 1 घंटे की पूरी गेमिंग जो है हो चुकी है, और अभी आपको बैटरी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पहले वॉल्यूम जो है कम कर लेते हैं, और अगर आपको मैं बैटरी दिखाऊं तो 1 घंटे में यहाँ पर जो है 83 पर मतलब बैटरी आ चुकी है। मतलब क्या हुआ कि 17% बैटरी, 17% बैटरी जो अपनी ड्रेन हुई है 1 घंटे की गेमिंग में, जिसमें हमारी जो ब्राइटनेस है फुल थी, वॉल्यूम हमारा जो है बिल्कुल फुल था, अभी मैंने कम करा है तो सब कुछ यहाँ पर हमने फुल रखा हुआ था। और मतलब कि जो गेमिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपनी फ्री फायर, वो जो है जो मैक्सिमम सपोर्ट जितना मिलता है 60 FPS का, उस पर हम गेमिंग कर रहे हैं। टेम्परेचर भी आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ 1 घंटे की गेमिंग के बाद अपने फ़ोन का टेम्परेचर यहाँ पर कितना देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 32 यहाँ पर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर गया है, आप देख सकते हो 32 मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर जो है अपना फ़ोन हीट हुआ है, और 1 घंटे की गेमिंग में अपनी यहाँ पर जो है 17% बैटरी जो है ड्रेन हुई है।